So we were discussing methods to decompose A into LU matrices, and we have discussed one method so far, which was Doolittle's method. Now is the time to discuss Kraut's method. So let's start Kraut's method. Kraut's method में भी एक general 3x3 का matrix ले लेते हैं, और Kraut's method और Doolittle method में difference ये है कि Doolittle method में हम जो अपना L मैट्रिक्स था उसके डायगनल को 1-1 सेट करते थे, लेकिन क्राउट्स मेथड में हमने जो डायगनल है उसको U वाले डायगनल को 1-1 सेट करना है. सो दैट वाज बेसिक डिफरेंस बिटवीन Doolittle एंड क्राउट्स मेथड. ओके, अगर हम इस L और U को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरह का सिस्टम मिल जाएगा, एंड देन हम इसकी सारी एंट्रीज को लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिनल ए मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ कंपेयर करके अपने एल और यू की सारी एंट्रीज को फाइंड कर लेंगे. सो लेट्स डू एन एग्जांपल. वही वाला क्वेश्चन हम अब क्राउट्स मेथड से करते हैं जो हमने Doolittle से पहले किया था. एक 3x3 का सिस्टम है, तीन इक्वेशंस गिवन है, इससे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इसको. ए मैट्रिक्स हमें ये मिल जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स हमारा मैट्रिक्स ऑफ अननोन और राइट हैंड साइड हमारा सोर्स वेक्टर. सो अब हमने ए मैट्रिक्स को क्राउट्स मेथड को यूज करते हुए एल यू में डिकम्पोज करना है, तो क्राउट्स मेथड में हम यू मैट्रिक्स को 1-1 सेट कर देंगे और इस राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ इस तरह की चीज हमें मिल जाएगी. फिर इन एंट्रीज को कंपेयर करना शुरू करेंगे. सो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट कॉलम में जो एल की एंट्रीज हैं वो सारी सारी ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं. सो L11 यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, L211 मिल जाएगा, L311 मिल जाएगा बाय कंपेयरिंग. फिर हम रो 1 की तरफ मूव करेंगे तो इस L11 को यूज करते हुए हम U की एंट्रीज फाइंड कर लेंगे. U11 वैसे तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी 1 सेट किया क्योंकि ये डायगनल की एंट्री है, लेकिन मैटलैब में हमने एक एल्गोरिदम चलाना है तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे U11 फाइंड कर रहा हूँ. अगर यहाँ से मैं U11 फाइंड भी करता हूँ तो सिमिलरली जिस तरह हमने Doolittle मेथड में L11 फाइंड किया था, इस केस में A11 में ऑलरेडी L11 वाली वैल्यू है तो L11 और L11 डिवाइड होके आंसर हमें फिर भी 1 ही मिलेगा. ओके, U12 हमें कैसे मिलेगी? A12 वाली एंट्री को हम L11 से जब डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन के तहत तो हमें U12 मिल जाएगी, इसी तरह हमें U13 भी मिल जाएगी. अब कॉलम 2 की तरफ आते हैं तो कॉलम 2 में हमें ये 2 वाली इक्वेशन को यूज करते हुए L22 और L32 निकालना है. सो L22 के लिए इस तरह की कोई इक्वेशन बन जाएगी और L32 के लिए इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी. इनमें सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड पर पुट करके हम L22 और L32 की वैल्यू निकालेंगे. अब रो 2 की तरफ जाएंगे तो रो 2 में हमारे पास जस्ट ये वाली इक्वेशन है जिसको हम यूज करते हुए U23 निकाल लेंगे. सारी एंट्रीज जो राइट हैंड साइड पे वो ऑलरेडी ऊपर हमें मिल चुकी हैं, और इसी तरह जब कॉलम 3 में आएंगे तो हमारे पास जस्ट ये इक्वेशन है जो यूज कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम L33 को निकाल लेंगे. सो इस तरह से सारी हमें L मैट्रिक्स की और U मैट्रिक्स की एंट्रीज मिल गई जो हमें चाहिए थी. उन एंट्रीज को हम पुट कर देंगे L और U की जगह, तो यहाँ से हमारा ये जो है L और U मैट्रिक्स आ गए हैं. अब हमें फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाते हुए LY=B को सॉल्व करना है. राइट हैंड साइड पे सोर्स वेक्टर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह L मैट्रिक्स आ जाएगा. सो इधर फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाते हुए हम Y को फाइंड कर लेंगे. इस Y को अब हम यूटिलाइज करेंगे अपना X मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए. सो उसके लिए हम UX=Y वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट साइड पे U एज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट साइड पे Y वेक्टर आ जाएगा जो भी हमने पिछली इक्वेशन से कंप्यूट किया है. सो इस इधर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाते हुए अपना सॉल्यूशन X फाइंड कर लेंगे, जो कि एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन आया है जो Doolittle मेथड को यूज करते हुए हमने फाइंड किया था. और Doolittle मेथड में L और U मैट्रिक्स डिफरेंट थे लेकिन फाइनल सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा. So let's start making the MATLAB code of this Kraut's method. So उसके लिए हम MATLAB की तरफ move कर जाते हैं, और MATLAB मैंने Doolittle's method का code खोला हुआ है.
जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक नई स्क्रिप्ट फाइल में और यहाँ मैं क्राउड्स का कोड बनाने जा रहा हूँ। सो क्राउड्स के कोड में भी हमें एक ए मैट्रिक्स चाहिए यूजर से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी सोर्स वेक्टर चाहिए। ऑफ कोर्स ये हमारा सिस्टम है जिसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें भी मुझे डायमेंशंस आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे ए मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी, क्योंकि मैं एक जनरल कोड बनाना चाह रहा हूँ। किसी भी एन क्रॉस एन सिस्टम को मैं क्राउड्स मेथड के थ्रू एल और यू में ब्रेक करूंगा एंड देन उसका सोल्यूशन फाइंड करूंगा। सो लेंथ ऑफ बी की कमांड यूज करते हुए मैं उसे कैपिटल एन में स्टोर करवा लूंगा, इससे मुझे डायमेंशन पता लग जाएंगी। और सिमिलरली एल और यू मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिनकी इनिशियल एंट्रीज जीरो होंगी और उनकी डायमेंशन बिल्कुल ए की डायमेंशन के इक्वल होंगी, क्योंकि ए भी एन क्रॉस एन का होगा तो एल और यू भी एन क्रॉस एन के होंगे, लेकिन अभी तक इनकी एंट्रीज जीरो हैं सारी। सो अब इन एंट्रीज को हमने अपडेट करना है यूजिंग क्राउड्स एल्गोरिदम। सबसे पहला फर्क जो डूलिटल और क्राउड में है, डूलिटल में हम एल मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज को वन करते हैं और क्राउड्स मेथड में हम अपने यू मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज को वन करते हैं। सो सबसे पहले इस लूप में मैं एल की जगह यू कर दूंगा। इसके बाद क्राउड्स के एल्गोरिदम को समझने के लिए मैं फिर एक 4x4 का जनरल सिस्टम कंसीडर कर लेता हूँ और क्राउड्स मेथड के अकॉर्डिंग इसके यू वाले डायगनल में 1 1 सेट हो जाएगा और यहाँ से ये सारी राइट हैंड साइड पे दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाएगा। देन क्राउड्स के एल्गोरिदम में सबसे पहले एल का कॉलम कंप्यूट होता है, पहला वाला कॉलम, और एल का जो पहला वाला कॉलम होता है वो बेसिकली ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम होता है। तो सबसे पहले इस चीज को अपडेट कर लेते हैं अपने कोड में। यहाँ पे अब मुझे एल मैट्रिक्स का पहला कॉलम पता है जो कि क्या है, ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम है। इसके बाद देखते हैं यू मैट्रिक्स की पहली रो किस तरह की है। यू मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो बेसिकली ए मैट्रिक्स की पहली रो डिवाइडेड बाय एल वन वन है। ए मैट्रिक्स की पहली रो डिवाइडेड बाय एल वन वन। सो यहां पे यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, नॉट फर्स्ट कॉलम, यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या है, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो डिवाइडेड बाय एल वन वन। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री वन ही आएगी। अगर हम देखें तो ए वन वन में ऑलरेडी एल वन वन है और एल वन वन डिवाइडेड बाय एल वन वन, ये हमेशा वन ही आएगा। सो ये एंट्री हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी, डायगनल एंट्री में ये वन ही रहेगी। सो इसके बाद जो कुछ भी होना है वो नेस्टेड लूप्स में होना है, जिस तरह से हमने डूलिटल मेथड में किया था। फर्क ये है कि डूलिटल मेथड में यू की रोज पहले कंप्यूट होती थी और एल के कॉलम बाद में कंप्यूट होते थे, लेकिन क्राउड्स में एल के कॉलम पहले कंप्यूट होते हैं और यू की रोज बाद में होती हैं, और लूप्स का स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह का रहेगा बिल्कुल। लेकिन जो चीज चेंज होगी वो ये है कि यू की रोज बाद में कंप्यूट होती हैं, एल के कॉलम पहले कंप्यूट होते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ एल वाले लूप को और यू वाले लूप को नीचे ले जाता हूँ। इसके बाद हमने देखना है कि ये एल वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलना है और यू वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलना है। तो इसके लिए हम वापस डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से ऑब्जर्व करें तो एल के सेकंड कॉलम को फाइंड करने के लिए रो नंबर 2 से स्टार्ट होती है। आगे जाएं तो एल के थर्ड कॉलम को जब फाइंड करना है तो एल 3 3 वाली एंट्री से स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स रो 3 से स्टार्ट होती है। और इसी तरह अगर लास्ट में जाएंगे तो एल फोर्थ कॉलम में जाना है तो एंट्री रो नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट होगी। सो जनरली अगर एल के आप आईथ कॉलम में मूव कर रहे हैं तो रो नंबर उसकी आई से स्टार्ट होगी। सो अब एल की kth रो आईथ कॉलम कैसे मिलेगा ये देखते हैं। हम L33 को ले लेते हैं। एक चीज तो कंफर्म है, जो आप एल की एंट्री फाइंड कर रहे हैं उसके साथ ए की वही वाली एंट्री जुड़ेगी। तो इसके लिए बिल्कुल उसी तरह अगर एल के आई फाइंड करें तो यहाँ पे ए के आई होगा। देन एल और यू मैट्रिक्स की कुछ एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं
और देखना ये है कि वो कौन सी वाली एंट्रीज हैं। अगर मैं L33 फाइंड कर रहा हूँ, रो 3 है, तो L अंदर वाला जो L है उसकी रो 3 ही चल रही है। अगर मैं L43 फाइंड कर रहा हूँ, फोर्थ रो है, तो अंदर वाले L की रो 4 ही चल रही है। तो एक चीज़ क्लियर है, जो अंदर वाला L है उसकी जो रो है, अगर यहाँ पे kth है तो अंदर भी kth होगी। अब देखना इसका कॉलम कहाँ तक जाता है। सो कॉलम के लिए अगर देखें तो L थर्ड रो थी, कॉलम 1 2, बाहर वाला कॉलम भी 3 था, अंदर वाला भी 1 से 2 तक गया है। अगर L43 में थर्ड कॉलम है तो अंदर वाला 1 2 तक जा रहा है। अगर इस चीज को आगे L44 के लिए ऑब्जर्व करें तो बाहर फोर्थ कॉलम है, अंदर 1 2 3, यानी कि एक कम तक जाता है कॉलम नंबर। सो कॉलम नंबर यहाँ पे हमारा आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो kth रो और कॉलम 1 से लेके जाता है i-1 तक। अब यू मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यू मैट्रिक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी जो रोज हैं वो 1 से लेके यू मैट्रिक्स की 3 तक जा रही हैं, यानी कि जो एल का कॉलम था उससे एक कम तक यू की रोज जा रही हैं। सो यू की अगर मुझे रोज यहां पे लिखनी है इस जगह पे, तो वो होगी 1 से लेके i-1 तक। और कॉलम नंबर उसको अगर देखें तो कॉलम नंबर हमारे पास U का वही कॉलम चलता है जो बाहर वाले L का कॉलम है। U का कॉलम नंबर वही होता है। अगर इसे पिछले वाले में देख लें, L34 के लिए अगर देख लें, तो बाहर वाले का थर्ड कॉलम है, तो U का कॉलम जो है, U का कॉलम थर्ड ही चलता है। सो हमारे इधर बाहर वाले L का कॉलम ith है, तो अंदर भी i होगा। ओके, उसके बाद L का कॉलम फाइंड करते हुए फौरन से हमने U की रो फाइंड करनी होती है। सो इसके लिए अगर हम देखें तो हम U को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, U की अगर सेकंड रो फाइंड करने की बात करें, तो U की सेकंड रो जब फाइंड करते हैं तो कॉलम नंबर थर्ड से स्टार्ट होता है और आगे तक हम जाते हैं। इसी तरह अगर U की थर्ड रो फाइंड करनी हो तो आप देख सकते हैं कि कॉलम 4 से चलता है, यानी कि U34 आप पहले फाइंड करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो जनरली यू के जो कॉलम चलने हैं, वो रो से एक आगे चलना स्टार्ट होते हैं। सो अब बात करते हैं यू की ith रो jth कॉलम कैसे मिलेगा। सो इसके लिए सबसे पहले तो ए की ith रो jth कॉलम तो साथ होता है, उसके बाद कुछ माइनस होता है। सो इसको अगर यहां से देखें, U34 अगर हम फॉर एग्जांपल फाइंड करें, तो उसके साथ A34 लगेगा। जो भी U की एंट्री फाइंड कर रहे हैं उसके साथ A की एंट्री होगी, माइनस L की कुछ एंट्रीज मल्टीप्लाई बाय U की कुछ एंट्रीज। सो इधर अगर ऑब्जर्व करें तो जो बाहर वाले U की रो है, बाहर थर्ड रो चल रही है, तो अंदर L की भी थर्ड रो चल रही है। और L का जो कॉलम नंबर है, वो U की रो से एक कम तक जा रहा है, यानी कि 1 और 2 तक जा रहा है। सो इसको अगर यहां लिखते हैं तो L की रो वही है जो बाहर वाले U की रो है, बाहर U की ith रो है, तो L की रो वही है, लेकिन कॉलम नंबर 1 से लेके जा रहा है उस रो से एक कम तक। अब बात करते हैं U की एंट्रीज की। तो U की एंट्रीज किस तरह से मिल रही हैं? U की जो 7 एंट्रीज हैं उसकी रो 1 से लेके 2 तक जा रही है, यानी कि बाहर वाले U की रो से एक कम तक जा रही है, लेकिन कॉलम नंबर जो है वो वही है जो बाहर वाले U का कॉलम है। बाहर वाले U का कॉलम अगर आप देखें तो वो 4 है, और अंदर वाले U का कॉलम भी 4 है। सो इस चीज को अगर लिखना है यहाँ पे, तो U की रो जो है वो 1 से लेके बाहर वाले U की रो से एक कम तक जा रही है, और कॉलम नंबर वही है जो बाहर वाले U का कॉलम है, वो J है, तो अंदर भी J आ गया।
ओके लास्ट थिंग, ये सब कुछ जो है ये किसी चीज से डिवाइड भी हो रहा है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, एल एल मैट्रिक्स की कौन सी एंट्री जो बाहर वाले यू की रो है, बाहर वाले यू की रो थर्ड है तो एल की थ्री थ्री, तो बाहर वाले यू की रो अगर आई है तो अंदर जो है जो डिवीजन होगी वो एल की आई कॉमा आई से हो जाएगी, आई थ्रो आई कॉलम। सो डेट्स इट, कोड कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसे रन करके देख लें तो इन लूप से फौरन बाहर निकल के मैं एल और यू मैट्रिक्स को देख रहा हूँ। उसके बाद फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम है, जिस तरह डोलिटेल मेथड में फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगी है, इधर भी वही फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगेगी जिससे वाई मिल जाएगा, और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन लग के हमें एक्स मिल जाएगा। तो इसको टेस्ट रन करते हैं उसी प्रॉब्लम के लिए जिसको हमने एज एग्जाम्पल लिया था। सो उस एग्जाम्पल में हमारा कोफिशियंट मैट्रिक्स ये था, अगर यहाँ से देखना चाहे तो 2 4 माइनस 6 1 5 3 1 3, और सोर्स फैक्टर था माइनस 4 10 5, माइनस 4 10 5, और आप देख सकते हैं कि इसका जो एल मैट्रिक्स आया वो 2 3 एंट्रीज बिल्कुल वही सेम होंगी, और यू मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज 1 है, दैट्स व्हाई इट इज क्राउड्स मेथड। उसके बाद वाई फाइंड हुआ और उस वाई की बेस पे आपका एक्स फाइंड हो गया। इसको अगर मैच करना है तो यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ये हमारा वाई मैट्रिक्स है माइनस 2 4 1, और उसके साथ जो एक्स है माइनस 3 2 1। सो लेट्स टेस्ट दिस कोड फॉर हायर डायमेंशनल मैट्रिक्स। सो हम ऐसा करते हैं कि हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो रैंडम देते हैं, इंटीजर मैट्रिक्स जिसकी जो एंट्रीज हों वो लाइक 1 से 20 तक हो जाएं, और उसकी डायमेंशन हो जाए फॉर एग्जाम्पल 8x8। सो ये मेरा ए मैट्रिक्स एक रैंडम जनरेट हो गया 8x8 का, और इसके साथ जो सोर्स वेक्टर दूंगा वो रैंडम दे देता हूँ 8x1 का, ऑफ कोर्स वेक्टर है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड हुआ, और इसके एल और यू मैट्रिक्स भी फाइंड हुए हैं, और इस ये क्राउड्स मेथड से फाइंड हुए हैं। ये कैसे पता लगेगा कि यू मैट्रिक्स का जो डायगनल है उसे आप देख सकते हैं, यू मैट्रिक्स का सारा जो डायगनल है उसकी सारी एंट्रीज 1 है। ओके, सेकेंडली कैसे पता लगेगा कि ये एल और यू सही फाइंड हुए और सॉल्यूशन सही निकला होगा, हम इन एल और यू को स्टेरिक कर लेते हैं, हमें वापस ए मिलना चाहिए, क्विक चेक यही होगा। हमने एल और यू को स्टेरिक किया तो एक मैट्रिक्स मिला। अब इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेते हैं, तो इसकी फर्स्ट रो देख लें बिल्कुल सेम होगी, सेकंड भी सेम होगी, इस तरह पूरा ए मैट्रिक्स सेम होगा। जो हमें एल और यू को मल्टीप्लाई करके मिला वो मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। सो डैट वॉज ऑल अबाउट क्राउड्स मैथड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।